हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनू इन्फोटेक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके कंप्यूटर में लॉक लग जाए तो उसको कैसे रिमूव करना है। सबसे पहले मैं आपको ऑन करके ये दिखा देता हूं कि इस सिस्टम में हमारे लॉक लगा हुआ है, यानी इस लैपटॉप में हमारे लॉक लगा हुआ है। ये कॉम्पैक का लैपटॉप है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये मैंने पेन ड्राइव इंसर्ट की हुई है। ये पेन ड्राइव पहले मैं रिमूव कर देता हूँ और फिर से बंद करके इसे स्विच ऑफ करके इसे फिर से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए, मैंने इसे स्विच ऑफ करके फिर से स्टार्ट किया है। स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर अगर आपको आपकी स्क्रीन पर लॉक शो होता है तो आप इस लॉक को कैसे रिमूव करें, यानी कैसे कैसे अपने कंप्यूटर से इस लॉक को हटाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे, मैंने सिस्टम स्टार्ट कर दिया है। स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर आपको पूरी प्रोसेस होगी, यानी आपके विंडोज़ की पूरी प्रोसेस होगी। और अगर आप लॉक भूल गए हैं तो आप इस लॉक को बिल्कुल, अगर आप चाहते हैं, ऐसे ही रिमूव कर सकते हैं, जैसे बिल्कुल मैंने यहाँ पर बहुत ही आसानी से रिमूव किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए, ये हमारा सिस्टम ऑन हो गया है। ऑन होने के बाद यहाँ पर आपको ये लॉक शो करेगा। तो यहाँ पर ये आपको बता रहा है कि आप अपना लॉक, यानी अपना कोड इंसर्ट करें, पासवर्ड, और फिर एंटर करें। तो अगर आप भूल गए हैं इस लॉक को, तो आप कैसे इस लॉक को रिमूव करेंगे, तो यहाँ पर इसी विषय में आज ये वीडियो है। तो यहाँ पर ये, इस वीडियो को आप पूरी देखें, क्योंकि यहाँ पर अगर आप एक भी स्टेप मिस करते हैं तो आपको लॉक का सामना फिर से करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर ये देखें, मेरे पास एक पेन ड्राइव है पोर्टेबल, जिसमें दो विंडो इंस्टॉल है, यानी कि ये मल्टी बूट पेन ड्राइव है। तो यहाँ पर ये 8 GB की पेन ड्राइव है, किंगस्टन डाटा ट्रेवलर। तो मैंने इसे किसी भी पोर्ट में इंसर्ट कर दिया है। तो मैं यहीं पर आपको दिखा रहा हूँ, आप चाहें तो अपने सिस्टम को रिस्टार्ट कर सकते हैं, या फिर ऑफ करने के बाद शुरू से इस प्रोसेसिंग को पूरा कर सकते हैं। मैं इसे ओके कर देता हूं और यहां से अपने सिस्टम को रिस्टार्ट कर लेता हूं। रिस्टार्ट करने के बाद आप देखेंगे, ये सिस्टम हमारा रिस्टार्ट हो गया है। तो रिस्टार्ट, जैसे ही आपका रिस्टार्ट होगा सिस्टम, जैसे आप विंडो इंस्टॉल करते हैं, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, हम इसमें वही करने वाले हैं, विंडो इंस्टॉल करने वाले हैं। सबसे पहले हम अपने सिस्टम को स्टार्ट होने देंगे और F9 की प्रेस करते रहेंगे। ये देखिए, ये हमारी बूट की है। तो यहाँ पर आपको ये हमारे तीन ऑप्शन हमारे सामने हैं, ये देखिएगा। सबसे नीचे ये हमारी पेन ड्राइव है, ये हमारा DVD राइटर है, और यहाँ पर हमारी किंगस्टन डाटा ट्रेवलर है। तो हम इस पर एंटर करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है, यहाँ पर ये आपको मल्टी बूट पेन ड्राइव से मैं विंडो इंस्टॉल कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई प्रोसेस मैनुअली नहीं होती, कुछ थोड़ी ही प्रोसेस मैनुअल होती है यहाँ पर। ये देखिए, ये प्रोसेस ऑटोमेटिक है। इसके बाद होने वाली प्रोसेस भी विंडोज की ऑटोमेटिक ही रहती है। अब आप यहां पर देखेंगे, हमारी विंडोज़ का सिंबल शो होने के बाद हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा, यानी इस तरह की स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगी। आने के बाद आपको यहां पर कुछ नहीं करना है, क्योंकि यहां पर भी वो ऑटोमेटिक प्रोसेस होगी, यहां पर मैनुअल कोई प्रोसेस नहीं है। यहां पर लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें, जिस लैंग्वेज में आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, उसके बाद नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद इंस्टॉल नाउ, इंस्टॉल नाउ के बाद यहाँ पर आपको सेटअप इज स्टार्टिंग शो होगा। बिल्कुल सेम प्रोसेस है, क्योंकि विंडोज 7 बिल्कुल सेम प्रोसेस में ही इंस्टॉल होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं बहुत ही आसानी से इस लॉक को भी हटा दूंगा और अपने कंप्यूटर में नई विंडोज भी इंस्टॉल कर लूँगा। तो यहाँ पर आप पूरी वीडियो देख कर जाएं। तो यहाँ पर आप जो भी विंडोज आप अपना सिस्टम में इंस्टॉल करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करें और नेक्स्ट कर दें। तो 64-bit में, और यहाँ पर हम लाइसेंस टर्म्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं और एडवांस। यहाँ पर आपको इस 100 MB का पार्टीशन शो होगा। इस 100 MB के पार्टीशन को आप जरूर डिलीट करें, क्योंकि ये पार्टीशन रिजर्व पार्टीशन होता है, अनलोकेटेड। तो यहाँ पर ये हमारी सी ड्राइव है,
39 GB, तो इस पार्टीशन को भी हम डिलीट कर लेते हैं क्योंकि इसी पार्टीशन में हमारा लॉक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे फिर हम इसे फिर से न्यू पार्टीशन जनरेट कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने न्यू पार्टीशन जनरेट कर दिया है। न्यू पार्टीशन जनरेट करने के बाद यहाँ पर आपको कोई भी प्रोसेस नहीं करनी है और यहाँ से आपको सबसे पहले स्वयं भी का जो पार्टीशन है इस पार्टीशन को फॉर्मेट कर लेना है। और इसके बाद ये जो हमारा 40 GB का जो पार्टीशन है इसे फॉर्मेट करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये 39 GB शो हो रहा है हमें, ये टोटल स्पेस टोटल साइज हमारा 39 GB है। तो यहाँ पर अगर 39 GB आ रहा है तो यहाँ पर आप देखेंगे 38.9 आना चाहिए, यानी हमारी हार्ड डिस्क परफेक्ट मोड में है। और यहाँ से हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमारी विंडोज इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर किसी भी की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपको लगातार तकरीबन 15 से 20 मिनट प्रोसेस का इंतजार करना है और उसके बाद आपका सिस्टम ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो जाएगा, या फिर आप मैन्युअली भी रिस्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर आप उसके बाद 10 सेकंड का टाइम आता है। तो यहाँ पर मैं आपको पूरी प्रोसेस दिखाऊंगा। मैं बार बार आपको यही कहूँगा कि पूरी वीडियो देख कर जाएँ। अगर आप एक भी स्टेप मिस करेंगे तो आपको लॉक का सामना फिर से करना पड़ सकता है। जैसा कि मैंने बताया था यहाँ पर ये 100% हो जाएगा। 100% होने के बाद आपके सिस्टम में यहाँ पर आप देखेंगे इंस्टॉलिंग फीचर्स, इंस्टॉलिंग अपडेट, कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन। तो यहाँ पर ये थोड़ा टाइम लगता है, आपको वेट करते रहना है। आपको अपने सिस्टम को प्लग इन रखना है जिससे कि आपका सिस्टम बीच में बंद ना हो सके, यानी आपका लैपटॉप अगर चार्जिंग पे लगा होगा तो आपका लैपटॉप बंद नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा एक्सपेंडिंग विंडोज फाइल्स जो 100% हो चुकी हैं। अब हमारे इंस्टॉलिंग जो है ये यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा, इंस्टॉलिंग फीचर, इंस्टॉलिंग अपडेट, कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन। तो यहाँ पर आपको थोड़ा समय देना होगा क्योंकि ये पूरी प्रोसेस ऑटोमेटिक होती है जिसमें आप मैनुअली कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पर आपको अपने सिस्टम को रिस्टार्ट होने देना है। अगर आप चाहें तो अपने सिस्टम को ऑटोमेटिक रिस्टार्ट होने दें, नहीं तो आप मैन्युअली भी रिस्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मैन्युअली रिस्टार्ट करूँगा। ये देखिए 10 सेकंड में ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं रिस्टार्ट नाउ कर देता हूँ। रिस्टार्ट नाउ करने के बाद आपका सिस्टम फिर से रिस्टार्ट होगा। यहाँ पर भी आपको कोई की प्रेस नहीं करनी है और आप चाहें तो यहाँ पर अपनी पेन ड्राइव को रिमूव कर लें। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी पेन ड्राइव पर ही बूट ऑप्शन रहता है तो हमारी पेन ड्राइव फिर से विंडोज इंस्टॉलिंग की प्रोसेस शुरू कर देती है शुरू से। तो यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि आपको फिर से विंडोज इंस्टॉल करनी है, जिसमें ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टार्टिंग विंडोज, स्टार्टिंग विंडोज के बाद आपको फिर से उसी स्क्रीन पर जाना है, यानी उसी स्क्रीन पर आपको ले जाएगा। आपको वही इंटरफेस शो होगा जो रिस्टार्ट होने से पहले था और वहाँ पर आपको कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन की प्रोसेस दिखाई देगी। यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन की प्रोसेस अभी भी चालू है। तो यहाँ पर आपको कोई भी की प्रेस नहीं करनी है क्योंकि ये पूरी प्रोसेस ऑटोमेटिक होती है। अगर आप कोई भी की प्रेसेस करेंगे या फिर इस प्रोसेसिंग को आप क्लोज करेंगे या फिर यहाँ से ऊपर की साइड से इसे क्लोज करेंगे तो फिर आपको फिर से विंडोज इंस्टॉल करनी होगी क्योंकि अभी तक आपकी कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन नहीं हुई। यानी अभी अब तक आपके सिस्टम में जो हार्ड डिस्क में जो फाइल हैं वो फाइल आपकी हार्ड डिस्क में है, आपके सिस्टम में नहीं इंस्टॉल हुई है।
और जब तक इंस्टॉल नहीं होती तब तक आपका सिस्टम पूरी तरह से काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका सिस्टम फिर से रिस्टार्ट हो गया है, या फिर आपका सिस्टम वही कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन के बाद सेटअप विल कंटिन्यू आफ्टर रिस्टार्टिंग योर कंप्यूटर। यहाँ पर ये बता रहा है कि स्टार्ट मतलब रिस्टार्ट होने के बाद आपके कंप्यूटर में सेटअप फिर से कंटिन्यू होगा। तो यहाँ पर ये आपका सिस्टम रिस्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी पूरी प्रोसेस ऑटोमेटिक है, सिस्टम फिर से रिस्टार्ट होगा। तो यहाँ पर भी आपको कोई की प्रेस नहीं करनी है, किसी भी तरह की कोई की यूज नहीं करनी है। यहाँ पर आप अपने सिस्टम को रिनेम कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है। यहाँ पर आप देखिए मैंने रिनेम कर दिया और यहाँ से मैं इसे नेस्ट कर देता हूँ। नेस्ट करने के बाद यहाँ पर पासवर्ड दे सकते हैं, नेस्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आस्क मी लेटर कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, यानी अपनी कंट्री का जो टाइम है, टाइम जोन है, वो सेलेक्ट कर लेना है और नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपकी स्क्रीन पर इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर मैंने विंडोज 7 अल्टीमेट इंस्टॉल किया है, तो यहाँ पर ये विंडोज 7 अल्टीमेट आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा है, यानी मेरी स्क्रीन पर दिखा रहा है। और सिस्टम फिर से रिस्टार्ट होगा, यहाँ पर वेलकम लिखा हुआ आएगा। बिल्कुल सेम ऐसे ही प्रोसेस होगी, क्योंकि ये वीडियो फास्ट फॉरवर्ड जरूर है, लेकिन पूरी प्रोसेस इसमें बिल्कुल ऐसे ही सो होगी आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर भी। तो आप जो है इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, जिससे आपको आपके कंप्यूटर में लॉक हटाने में और विंडोज इंस्टॉल करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब हमारी विंडोज जो है पूरी इंस्टॉल हो गई है और अब हमारा सिस्टम ऑन होने वाला है। यहाँ पर आप देखिए ऑन हो गया है। ऑन होने के बाद हमारा लॉक भी रिमूव हो गया है और हमारी न्यू विंडो का इंटरफेस ऐसे शो होगा। तो हम अब डेस्कटॉप आइकन ले आते हैं, यहाँ से आप डेस्कटॉप आइकन देख सकते हैं कैसे लाते हैं। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।